बन रहे हैं उसमें क्या अग्निशमन के मानक का पालन हो रहा है और क्या है वो मानक, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे साथ अग्निशमन द्वितीय अधिकारी यहाँ पर मौजूद है वंश नारायण यादव जी, तो उन्हीं से जानते हैं कि सर क्या है वो मानक। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि जो नए भवन बन रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हों, होटल्स हों या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हों या इस तरह के जो भी संस्थान बन रहे हैं, उसमें सर्वप्रथम उत्तराखंड का जो भवन निर्माण संहिता है उसके अनुसार भवन का सेटबैक होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ जो है नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4 फायर एंड लाइफ सेफ्टी में दिए गए अग्निशमन के मानकों को पूरा करना अनिवार्य है। तो जैसे कि आपने जाना कि ये मानक जो है इनको पूरा करना बहुत जरूरी है, जिनके बिना जो संस्थान होंगे उनको एनओसी नहीं दी जा सकती है, तो सर वो क्या इक्विपमेंट्स हैं जिनको यूज करना जरूरी है, लगाना जरूरी है? देखिए, नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4 फायर एंड लाइफ सेफ्टी में एक टेबल 7 है, उसमें हर तरह के भवन के बारे में अलग अलग, जैसे आवासीय भवन है, जैसे आपके कमर्शियल बिल्डिंग है, शैक्षणिक संस्थान है, सबके लिए अलग अलग फायर के कौन से यंत्र लगेंगे वो दिया हुआ है। हम लोग उसी के अनुसार जो है लोगों को जो है लगाने के लिए निर्देशित करते हैं। तो सर काशीपुर में ऐसे कितने संस्थान हैं जिनकी पुरानी एनओसी और नई एनओसी को लेकर ये जो बातें आई हैं ये मानक को लेकर? देखिए, इसमें कई संस्थान ऐसे हैं जो बहुत पहले के बने हुए हैं और उन्होंने फायर की एनओसी दे रखी है, उनको तो पुराने मानक के अनुसार जो है रिन्यू करने के लिए कार्रवाई होती है और रिन्यू हो भी जाता है। लेकिन जो संस्थान अभी पहले से बने हैं और उन्होंने कभी फायर की एनओसी नहीं ली और अब वो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।